गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, प्रिकॉशन अगेंस्ट अगेंस्ट एरर्स एंड मिस्टेक्स। प्रिकॉशन अगेंस्ट एरर्स एंड मिस्टेक। प्रिकॉशन मतलब कहीं एरर आ गया, कहीं एरर मतलब क्या होता है, एरर किससे हो सकता है, एरर इंस्ट्रूमेंट में होगा, एरर इंस्ट्रूमेंट में होगा, मिस्टेक हमसे होगा, होता है ना कि कोई चीज एकदम एक्यूरेट 100% एक्यूरेट वर्क नहीं करता, कुछ ना कुछ एरर रहता है। ठीक, तो एरर इंस्ट्रूमेंट में होगा, मिस्टेक जो फॉलोअर या लीडर से होगा। मिस्टेक किससे होगा, फॉलोअर या लीडर से, एरर किससे होगा, इंस्ट्रूमेंट से। पहले देखते हैं पहला क्या है, पहला को हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो पॉइंट वेयर एरर इज द पॉइंट वेयर एरो इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड शुड बी मार्क्स विद should be marked with cross। बता देंगे कहीं पर पॉइंट पे, अगर कहीं पॉइंट रेखा क्या किया जाता है, देखिए कोई प्लेन पेपर है, ये सोच देख कोई फील्ड में मैंने मार्किंग करी, मुझे एक लाइन की मार्किंग करनी है, ऐसे लाइन की मार्किंग करेंगे ये प्रॉपर में नहीं है, ये क्या है यहाँ पर क्रॉस मार्क कर दिया, मतलब ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक आ गया है ना, आया ना, ये मतलब क्रॉस मार्क कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया, जब एक्यूरेट होगा हमें तो पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। या तो फिर कभी कभी ऐसे करते हैं एरो मार्किंग करते हैं, एरो क्या करते हैं, एरो इस पॉइंट का हो गया, एरो मार्किंग हो गया, मतलब एक मार्किंग देते हैं, मार्क करते इसलिए ताकि इस पॉइंट टू पॉइंट ये है, जब एकदम एक्यूरेट हमारे पॉइंट रहे, ताकि कभी जैसे क्या होता है ना, कॉन्क्रीट में हम कर रहे हैं, कॉन्क्रीट कटा जब बारिश होने लगी या कहीं कभी मार्किंग किए, मैंने लाइन खींचा मार्किंग नहीं किया, बारिश हुई या धूल मिट्टी हुई, उससे क्या होगा मिट जाएगा, मिटे ना, इस वजह से क्या करते हैं क्रॉस मार्क करेंगे, क्रॉस मिट हम मार्क करेंगे थोड़ा डीप करेंगे, उसको हार्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें कभी भी पता चल जाएगा, एक दो दिन बाद भी देखेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट से कभी भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं आगे का, ये रहता है इसका करने का। सेकंड क्या होगा, द जीरो एंड ऑफ चेन और टेप should be properly held, मतलब कि जीरो एंड को प्रॉपरली पकड़ेंगे, मतलब इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट है तो ऐसा नहीं मेजर जो टेप हम मेजर करें इस पॉइंट से बाहर चला जाए, ये हमारी टेप होगी एक दो तीन चार पांच छह सी ना, तो मेजरिंग टेप ऐसा ना हो कि इसे इस पॉइंट में ही रखा जाए, जो हमारा इस रहा है इस पॉइंट पे ही रखा जाए, जो मेजर क्या हो गया यहाँ से कभी स्टार्ट करते हैं कभी यहाँ से कभी स्टार्ट करते हैं, तो जो भी पॉइंट एकदम पॉइंट पे रखा जाए, ये भी देखिए इससे कुछ दूरी इधर हो रहा है या फिर कुछ डिस्टेंस इधर जा रहा है, मतलब या ऊपर जा रहा है कुछ नहीं, एकदम पॉइंट पे होना चाहिए, जब एकदम पॉइंट पे आएगा तो हमारा जो है मेजरमेंट क्या होगा एक्यूरेट आएगा। ये हुआ, नेक्स्ट क्या है, रेंजिंग शुड बी फीडर एक्यूरेटली, मतलब क्या है, मतलब पहले बनाना स्टार्टिंग में ही मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन,
कोई भी लाइन अगर बना रहे हैं हम तो उसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा। बेंडिंग है मतलब जो भी लाइन बना रहे हैं एक लाइन बना रहे रेंजिंग हमारा एकदम स्ट्रेट एक पोजिशन में है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ है दूसरा यहाँ दूसरा यहाँ चल रहा है, ऐसा नहीं एक स्ट्रेट में रहना है, ये कहने का मतलब रेंजिंग शुड बी स्ट्रेट एक्यूरेट। एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन में भी ऐसा हो सकता है पॉइंट वाले मार्किंग यहाँ की रेंजिंग यहाँ लगा दिया, फिर पॉइंट क्या है यहाँ मार्क किया रेंजिंग यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं चीज पॉइंट पे ये पॉइंट अगर मैंने मार्क किया ऐसा नहीं पॉइंट इतना बड़ा मार्क किया पता नहीं चलेगा रेंजिंग लगाना कहाँ, पॉइंट एक नीडिंग पॉइंट आता है नीडिंग मतलब एक पॉइंट है बस यहाँ पे आपको पेनिट्रेट करेंगे तो दबा देंगे, ये हुआ हमारा रेंजिंग का। नेक्स्ट करते हैं नो मेजरमेंट शुड बी टेकन विथ द चेन टेकन विथ द चेन इन सस्पेंशन, कहां पे सस्पेंशन में measurement should not taken should not taken in suspension at high wind the chairman should call the measurement loudly, can call the measurement loudly, also jab kuch ho sakta hai और कुछ भी हो सकता है, द इंस्ट्रूमेंट ठीक है मतलब कि इतनी चीजें हमारी है के रिगार्डिंग जो है मेजरमेंट के एरर प्रिकॉशन ये है। तो एक एक के बाद देखते कुछ तो बता दे कुछ और बता दे रहा हूं। नो मेजरमेंट शुड बी टेकन विद द चेन इन सस्पेंशन, मतलब अगर चेन सस्पेंशन में है अगर लेबर अप डाउन है लेबर अप डाउन है तो उस केस में चेन का यूज नहीं करेंगे, अप डाउन लेबर में क्या है एरर ज्यादा आ जाएगा, अप डाउन में लेबर में एरर ज्यादा आएगा वो पहले ही बताता है कि चेन जब भी यूज करेंगे तो प्लेन सरफेस में करेंगे। मेजरमेंट शुड नॉट टेक इन सस्पेंशन एट अ हाई वेट, मतलब कि अगर तेज हवा चल रही है हवा तेज चल रही है तो सस्पेंडेड अगर है तो अप डाउन है ऊंचा ढाला है अगर सेक्शन है तो उस सेक्शन में मेजरमेंट नहीं लेंगे क्योंकि विंड का प्रेशर जब पड़ेगा ना तो वो एरर देने लगेगा, वो सही एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा, वो उस टाइम में अवॉइड करेंगे जब तेज आंधी टाइम का आ रहा हो तेज हवा चल रही हो उस कंडीशन में क्या करेंगे इसको अवॉइड करेंगे नहीं करेंगे। चेयरमैन शुड कॉल द मेजरमेंट लाउडली, चेयरमैन को चेयरमैन हो चाहे लीडर हो चाहे फॉलोअर हो, चेयरमैन लीडर या फॉलोअर कोई भी है अगर कोई इनके दोनों में आपसी तालमेल बनाना पड़ता है, अगर आपसी तालमेल नहीं बनाएंगे तो गलत जगह हो सकता है। चेयरमैन जो लीडर जो है वो तो सही कर रहा है वो तो चला गया जीरो काउंटिंग एंड पे 1 2 3 4 एंड पे काउंटिंग एंड पे ये जीरो एंड पे इस पॉइंट को घसका दिया है यहाँ पे घसका दिया है तो यहाँ लेके चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको काउंटिंग एंड पर दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए करते रहना चाहिए कि भाई वहां गलत तो नहीं है ना
वहां पे सही तो है या कितनी चेनिंग वहां पे हुई, कितनी मीटर लेंथ की चेनिंग हुई है या वहां पे तुमने एरो रखा है या नहीं, सारी चीजें कम्युनिकेट होनी चाहिए दोनों के बीच में, तब जाके एक्यूरेट आएगा। तो ये तो थी हमारी जो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली टाइप की, एक थ्योरेटिकली करेक्शन था। अब न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आता है, न्यूमेरिकली कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है चेन एंड टेप कनेक्शन, चेन एंड टेप कनेक्शन। चेन और टेप में क्या कनेक्शन होता है, कहां कहां आ रहा था, इससे ये भी पता चल जाएगा चेन और टेप में किस वजह से आ रहा था, तो उसको प्रिवेंशन उसको कैसे करेंगे, उसको सही कैसे करेंगे। पहले क्या है टेप करेक्शन, टेप करेक्शन इसमें पहले क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी जो डिफिनेशन है ना नोटेशन है तो उसका सिंबल का फुल फॉर्म जो नोटेशन सिंबल्स दिया है वो नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया, इसलिए दोबारा मैं नहीं दूंगा, ये जो आपको मेन फॉर्मूला है फॉर्मूला बता दूंगा समझा देगा। सी टी इक्वल टू अल्फा टी एम माइनस टी नॉट एल, ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला ये हमारा फॉर्मूला टेम्परेचर करेक्शन के लिए फॉर्मूला है। अगर टेम्परेचर ये वजह से टेम्परेचर कैसे हुआ, अगर हॉट कोल्ड टेम्परेचर है उस कंडीशन में अगर आपको एरर आ रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे उसके लिए है। सीटी क्या है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, सीटी करेक्शन फॉर टेम्परेचर इन मीटर्स है, जो भी चीजें यूनिट चलेंगी मीटर्स में। अल्फा कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब कितना एक्सपेंड हुआ है, अल्फा मतलब कितना एक्सपेंशन हुआ है, वो रहता है टीएम टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट इन डिग्री, टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट इन डिग्री, टी नॉट टेम्परेचर एट विच टेप ऑफ स्टैंडर्डाइज मतलब जिस टेम्परेचर में टेप बना था इंडस्ट्रियलाइज का उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर में देखे। एल लेंथ ऑफ टेप, एल क्या है टेप का लेंथ है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था टेम्परेचर करेक्शन के लिए। नेक्स्ट है कूल करेक्शन, कूल करेक्शन का सीपी कर दो पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल बाई ए इंटू ई, ये क्या था हमारा सीपी का फॉर्मूला। सी क्या है कूल करेक्शन इन मीटर, सीपी कूल करेक्शन इन मीटर है मतलब कूल है, और ये हमारा पीएम है कूल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट की तरह समय जो कूल कुछ दबा था वो पीएम है, कितना है वो है कंडीशन, वो कंडीशन बता रहा है सिंबल। पी नॉट कूल एट विच द टेप ऑफ स्टैंडर्डाइज इन किलोग्राम मतलब किस स्टैंडर्ड में मतलब वो बना था, ठीक स्टैंडर्ड का है। एल लेंथ ऑफ टेप है इन मीटर जान ही रहे हैं, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, टेप का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना किसी चीज का भी एरिया होता है कितना एरिया है, एरिया इसका रहता है क्रॉस सेक्शन का। ई मॉड ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब उसमें कितना लचीलापन है मतलब इलास्टिक बिहेवियर उसमें इलास्टिसिटी कितना है, कितने वो दर दूर तक खींचा जाए तो अपने वापस शेप में आ जाएगा मतलब किस लिमिट तक के खींचा जाएगा, किस रेशियो किस पॉइंट तक खींचा जाएगा कि वो अपने वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा, ये वो कूल करेक्शन। नेक्स्ट स्लो करेक्शन, स्लो करेक्शन मतलब स्लोप पे अगर प्रॉब्लम आई बता रहा था ना स्लोप पे भी दिक्कत आती है तो उसमें क्या करेंगे,
CH = L - √1² - H² ये है फॉर्मूला H² / 2L ये अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्स कितना आएगा जो इसके अप्रॉक्स से आएगा फॉलो जब इसको न्यूमेरिकल का केस आएगा जो न्यूमेरिकल की वैल्यू है X का H का L का X का एल यहाँ है या फिर एच का जो वैल्यू यूज करेंगे वो वैल्यू आएगी तो अप्रॉक्स आएगी जब एक्यूरेट नहीं अप्रॉक्स थोड़ा होता है मुझे हो सकता है तो इसका डायग्राम भी है ये थीटा है हमारा ए है एल एच बी सी सॉरी इसमें गलत ध्यान नहीं गया डी सी एच स्लोप करेक्शन ये क्या है स्लोप करेक्शन का ये फॉर्मूला है ये हमारा डायग्राम है मतलब ये अगर स्लोप है तो इसको तो कैसे करेक्शन किया जाएगा ठीक ये देखिए H² / 2L है ना तो ये अप्रोक्सिमेट वैल्यू आएगी वो करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन क्या होगा जो इसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा माइनस में आएगा मतलब उसका रिजल्ट है ना हमेशा माइनस में ही आएगा चेक करेक्शन अब नेक्स्ट क्या है शेयर करेक्शन CL = L ωL² / 24 N² P² M ये हमारा सैग करेक्शन सैगिंग हॉकिंग तो चीज पड़ा था अप डाउन मतलब कि नीचे हो जाना या ऊपर भी आना तो सैगिंग हॉकिंग जो केस रहता है तो ये सैगिंग करेक्शन है हमारा तो ये किस कंडीशन में है व्हेन वेट इज गिवन व्हेन वेट इज गिवन एक और कंडीशन है इसमें जब वेट दिया हुआ था कंडीशन उस समय का है एक और नेक्स्ट कंडीशन है जब वेट यूनिट वेट सॉरी यूनिट वेट इज जब यूनिट वेट रहेगा या तब रहेगा एक आता है टोटल वेट का CH² / W² / 24 N² P² M ये रहता है when total weight is given when total weight is given मतलब जब total weight दिया रहता है तो इस condition में हम ये use करते हैं तो ये तो था फॉर्मूला हमारा ये करेक्शन का और टेप का तो हो गया टेप का करेक्शन अब चेन करेक्शन में जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं चेन करेक्शन पहला क्या है करेक्शन अप्लाई टू इनकरेक्ट वेट करेक्शन अप्लाई टू इनकरेक्ट मतलब करेक्शन किसके लिए है इनकरेक्ट लेते हैं लेते इनकरेक्ट है उस केस में क्या करेक्शन करेंगे T
TL is equal to L dash by L into measured length. तो जो लेंथ मेजर किया उसका रहा है वो एल क्या है स्टैंडर्ड ऑफ टू लेंथ ऑफ चेन एल जो है एल एस टू लेंथ पर प्लस एरर है एल एस इक्वल टू टू लेंथ प्लस एरर ये होता है एल एस। नेक्स्ट क्या है करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट एरिया इनकरेक्ट एरिया करेक्शन क्या है ट्रू एरिया इक्वल टू एल एस स्क्वायर बाय एल इनटू मेजर्ड एरिया। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज वैल्यू L sec theta minus 1 ठीक L क्या है लेंथ ऑफ टेप है थीटा स्लोप ऑफ ग्राउंड है तो ये कितना हमारा टेप और चेन का करेक्शन चेन और टेप में करेक्शन आएगा तो इस टाइप का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों को मैंने बता दिया बाकी के जो न्यूमेरिकल है ना मैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल मैंने थ्योरी में दिया है रिटेन किया है तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ तक के लिए इस लेक्चर के लिए बस इतने ही टॉपिक और जितना पढ़ाया गया उस टॉपिक को डेली एक बार पढ़िए रिवाइज करिए और जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लीजिए दोबारा जो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है थैंक यू बाय।